गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर के वर्कशीट आज हम करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अर्जेंट वर्क। आपको कोई अचानक से ज़रूरी काम आ जाता है तो आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, एक दिन की या दो दिन की छुट्टी के लिए, जितने दिन आपको चाहिए उतने दिन आप इसमें मैंशन कर देंगे। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे स्कूल का नेम अध्ययन पब्लिक स्कूल कापासर न्यू डेली 37। रिस्पेक्टेड मैम, अगर सर है तो सर लिखेंगे, मैम है तो मैम लिखेंगे। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पे आप अपनी क्लास मेंशन करेंगे, किस क्लास के आप, इन योर स्कूल। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम टमोरो, या जिस भी डेट को आपको छुट्टी चाहिए वो डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी दे। वन डे, अगर आपको एक दिन की चाहिए, दो दिन की चाहिए तो टू डेज, अभी आपको एक दिन की चाहिए तो वन डे। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली, ओबीडेंटली लिखेंगे या फेथफुली लिखेंगे, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, इनमें से आपको एक ही लिखना है, या तो ओबीडेंटली या फेथफुली। नेम, यहाँ अपना नेम लिखेंगे, क्लास, रोल नंबर और डेट। नेक्स्ट माई सेल्फ करेंगे आप, मेरा परिचय अपने बारे में। माई नेम इज़, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम जो भी आपका। आई स्टडी इन क्लास, किस क्लास में आप पढ़ते वो लिखेंगे। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आप कितने साल के हैं, यहाँ पे साल लिखेंगे आप, 8 साल के, 9 साल के, या जितने भी साल के हैं। आई लिव इन कापासेड़ा, मैं कापासेड़ा में रहता हूँ या रहती हूँ। माई फादर्स नेम इज़, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखेंगे। माई मदर्स नेम इज़, मम्मी का नाम लिखेंगे। माई स्कूल्स नेम इज़ अध्ययन पब्लिक स्कूल, मेरे स्कूल का नाम अध्ययन पब्लिक स्कूल है। माई क्लास टीचर्स नेम इज़ मिस कविता, मेरी क्लास टीचर, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। माई स्कूल्स प्रिंसिपल नेम इज़ मिसिज उमा, मेरे स्कूल की प्रिंसिपल का नाम है मिसिज उमा। माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग सिंगिंग एंड पेंटिंग, मेरी फेवरेट हॉबी मतलब शौक है पढ़ना, गाना गाना, पेंटिंग, या जो भी आपकी फेवरेट हॉबी और भी कुछ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सर्कल द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, प्रोनाउन पे आपको सर्कल करना। प्रोनाउन मैंने आपको पिछली बार बताया था जो नाउन के जगह पे यूज होते हैं, जैसे ही, शी, ये सब। अब इसमें ही इज सिटिंग ऑन द बेंच, इसमें क्या है, ही। यू कैन टेक दिस बुक विद यू, यू। मदर सेज दैट शी विल कुक पिज्जा टूडे, माँ ने कहा कि वो आज पिज्जा बनाएगी, शी। फादर टोल्ड हिम दैट ही शुड बी पंक्चुअल, इसमें क्या आएगा, फादर ने उसे कहा कि उसको पंक्चुअल होना चाहिए, ही एंड हिम। द गंगा कैरीज ए लॉट ऑफ पॉल्यूशन विद इट, गंगा के में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इट, इट इसमें गंगा के लिए यूज हुआ है। ही टुक मी टू द सिनेमा, मुझे सिनेमा लेके गया, ही एंड मी। नेक्स्ट चेंज द नंबर, नंबर चेंज करेंगे क्लास का, क्लासेस, एक क्लास, बहुत सारी क्लास, वाइफ, वाइफ्स, एफ ई को हटा के हम वी एस लगा देंगे, लीफ, लीव्स, लीव्स में भी ऐसे करेंगे। गर्ल, गर्ल्स, एक लड़की, बहुत सारी लड़कियां। पेन, पेंस, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। नाइफ, एक चाकू, के एन आई वी ई एस, बहुत सारे चाकू। बुक, बुक्स। मैन, एक आदमी, और अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो एम ई एन, बहुत सारे आदमी। चाइल्ड, एक बच्चा, सी एच आई एल डी आर एन, चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। फ्रेंड, दोस्त, फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त। नेक्स्ट एडजेक्टिव यानी विशेषण, सम वर्ड्स टेल क्वालिटीज सच एज काइंड, जेंटल, पुअर, ऑनेस्ट, ओल्ड, यंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कुछ विशेषताओं को बताते हैं, जैसे कि दयाल, दया, सीधा, गरीब, ईमानदार, बूढ़ा, जवान। दिस
वर्ड्स आर एडजेक्टिव, ये वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, वी कैन यूज देम टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। और हम ये किस लिए यूज करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ वेरी काइंड मैन, इसमें जो ब्लैक से मैंने लिखा वो सारे क्या है, एडजेक्टिव, वो एक बहुत दयालु आदमी है, तो इसमें काइंड क्या है, एडजेक्टिव। ही इज अ वेरी जेंटल बॉय, वो बहुत सीधा लड़का है, तो इसमें जेंटल क्या है, एडजेक्टिव। शी इज ए पुअर गर्ल, वो एक गरीब लड़की, इसमें पुअर है, एडजेक्टिव। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन एक ईमानदार लड़का है, इसमें ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, ये मोहन की विशेषता है कि वो ईमानदार है। ही इज ए वेरी ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा, तो इसमें आदमी की क्या विशेषता है कि वो बहुत बूढ़ा है। शी इज ए यंग गर्ल, इसमें यंग क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, चूज एंड फिल द ब्लैंक्स, इनमें से आपको चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है, ये एडजेक्टिव है। हनी इज, हनी क्या होता है, स्वीट, मीठा, हनी की क्या विशेषता है कि वो मीठा होता है। ही इज वेरी डैश बाय नेचर, वो बहुत पोलाइट है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव, स्वभाव से बहुत नम्र है वो बोलने में। शी इज सेलिंग शार्प, वो बहुत नुकेले चाकू बेचती है, तो चाकू की क्या विशेषता है कि वो नुकीले हैं। ए डैश प्रिंसेस क्लाइम डाउन द हॉर्स, ब्यूटीफुल, एक बहुत सुंदर राजकुमारी घोड़े से उतरी, तो इसमें राजकुमारी की क्या विशेषता है कि वो सुंदर है। द गर्ल हैड ए डैश बैलून, लड़की के पास कैसा गुब्बारा है, बिग, बड़ा। इस तरह से आप ये एडजेक्टिव इनमें फिल करेंगे। थैंक यू।